आप भी खुद को स्वस्थ और फिट रखने के लिए रोजाना करते हैं ये काम, क्या आपकी जिंदगी में भी जरूरी बन गया है एक्सरसाइज करना? बिना एक्सरसाइज के नहीं चल पा रहा है आपका काम, तो संभल जाएं, वरना होगा बड़ा नुकसान। जरूरत से ज्यादा वर्कआउट आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। जी हाँ, हद से ज्यादा एक्सरसाइज करने का जुनून व्यक्ति की सेहत को कई बड़े नुकसान पहुंचाता है। हद से ज्यादा वर्कआउट इम्यूनिटी कमजोर करने के साथ ही हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर में मशहूर हकीम सुलेमान खान जी से जानेंगे कि ज्यादा देर वर्कआउट करने से आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हर कोई जानता है कि एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी है। रोजाना आधे घंटे की एक्सरसाइज या वॉक हमें हेल्दी रखने के लिए अच्छी होती है, लेकिन कई लोग किसी चीज को जब जरूरत से ज्यादा करते हैं तो वो फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगती है। और ये बात उन लोगों पर लागू होती है जो एक्सरसाइज को अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं और घंटों घंटों एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी पर एक्सरसाइज करने का जुनून सवार हो जाता है, तो ये रूटीन एक एडिक्शन में बदल जाता है और यही एडिक्शन व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर डालता है। आपको बता दें, अगर कोई जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स में खिंचाव और असहनीय दर्द की समस्या हो सकती है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से मसल्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं और उसमें ज्यादा खिंचाव होने लगता है, जिससे शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और दर्द का खतरा रहता है, जिससे घुटनों, कमर और जोड़ों में तेज दर्द होता है, जिसके लिए आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और ना सिर्फ कुछ दिनों के लिए बल्कि कुछ मामलों में पूरी जिंदगी ही दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है। लेकिन ये तकलीफ आपको कुछ सालों बाद महसूस होगी। अगर लंबे समय तक आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आने वाले समय में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक आइडियल एक्सरसाइज करने का समय 30 से 45 मिनट होना चाहिए। आइए जानते हैं हकीम सुलेमान खान जी से कि ज्यादा समय तक एक्सरसाइज करने के बारे में वो क्या कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, खासतौर पर नौजवानों में, कि वो एकदम से अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर, और एक्सरसाइज करते रहते हैं और देखते रहते हैं अपने कदमों को। ऐसे ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज भी आपको जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में मुबतला कर सकती है। जब भी आप एक्सरसाइज करें उसके एक लिमिट बनाइए, और ये मत सोचिए कि एक दिन में आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। जैसे हम अपने दिमाग के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो कोई किताब पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं और रोज़ पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, और एक लिमिट है उसकी, और उसको अपने दिमाग में उतार लेते हैं दिमाग की एक्सरसाइज के लिए। ऐसे ही जिस्म की एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी यह है कि हम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, तरीके से करें। एक घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं एक घंटे तक एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा कभी ना करें। आपको अगर पहलवान बनना है और कोई नेशनल लेवल का कोई प्लेयर बनना है तो उसके लिए तो आपको बाकायदा ट्रेनर चाहिए। वैसे भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादातर लोग बग़ैर ट्रेनर के जो एक्सरसाइज करते हैं वो तकलीफ़ में आते हैं। मैंने ऐसा भी देखा कि जवान जवान लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे, वजह ये कि उन्होंने टेलीविज़न पर किसी को देख लिया, बाबा लोग को देख लिया एक्सरसाइज करते हैं। वो उनको आदत है, वो बचपन से कर रहे हैं। आपने वो योगा और वो सब कुछ किया तो आप परेशानी में आ गए और आप हिलजुल भी नहीं पा रहे, इतनी तकलीफ़ है। और तो एक्सरसाइज करें सेहत अच्छी रखने के लिए, कि आप सेहतमंद रहें। हर किसी को पहलवान नहीं बनना होता, हर किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना होता, बस सेहत अच्छी रहे, जिस्म चलता रहे और आप किसी बीमारी में ग्रस्त ना हो। तो ज़्यादा देर एक्सरसाइज करना भी आपको नुकसान दे सकता है। अगर नुकसान दे चुका है और कहीं आपके मसल्स में या कमर में
या कहीं पर दर्द बैठ गया है या मोंडों में या थाइज में या कमर में, तो फिर गौंसिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गौंसिया असली दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम खाने के बाद दूध या पानी से लें और आप अपनी ऐसी तकलीफों में राहत पा सकते हैं।